करंट अफेयर्स की वन मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट हम देखेंगे, हर साल 17 सितंबर को दुनिया भर में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 17 सितंबर। ये सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स होने वाला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 सितंबर को नई दिल्ली में 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का शुभारंभ करेंगे। ऑन 17 सितंबर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल इनोग्रेट द 8th इंडियन वाटर वीक 2024 इन न्यू दिल्ली। सारे अच्छे काम न्यू दिल्ली में होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद 10 दिन का गणपति उत्सव 17 सितंबर को संपन्न हो जाएगा। द 10-डे गणपति फेस्टिवल विल कंक्लूड ऑन 17 सितंबर आफ्टर द इमर्शन ऑफ गणेश आइडल्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को भुवनेश्वर में उड़ीसा सरकार की प्रमुख पहल सुभद्र योजना का उद्घाटन या शुभारंभ करेंगे। ऑन 17 सितंबर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च द उड़ीसा गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप इनोवेटिव सुभद्रा योजना इन भुवनेश्वर। कहाँ भी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कौन से स्टेट में आता है? उड़ीसा में। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने संतोष कश्यप को राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है। द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज़ अपॉइंटेड संतोष कश्यप एज द हेड कोच ऑफ द नेशनल सीनियर वुमेन टीम्स। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा करंट अफेयर्स होने वाला है, केंद्र सरकार 17 सितंबर से देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 शुरू करने जा रही है, और इस वर्ष का थीम क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है स्वभाव स्वच्छता संस्कार सुरक्षता। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल लॉन्च द स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 2024 नेशनल वाइड फ्रॉम 17 सितंबर। दिस ईयर थीम इज स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। तो आपको ये तो याद रखना ही है कि 2024 में कब नया थीम आया था और वो थीम क्या था, साथ के साथ आपको इसको भी याद रखना ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत ने तूफान याकी से प्रभावित देशों म्यांमार, लाओस और वियतनाम में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन सद्भाव टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम अफेक्टेड बाय साइक्लोन यागी। आप सभी को पता होगा इन शहरों में तूफानी यागी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, और उसके लिए जो भारत सरकार है वो थोड़ा सा कह सकते हैं सहायता कर रही है, हेल्प कर रही है उनकी, तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 16 सितंबर को त्रिपुरा के बरखाथल में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया। किसने? योगी आदित्यनाथ ने यूपी की तरफ से, और त्रिपुरा की तरफ से मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मानिक शाह है। ऑन 16 सितंबर त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह एंड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनोग्रेट द न्यूली कंस्ट्रक्ट सिद्धेश्वरी मंदिर इन बरखाथल त्रिपुरा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें दो स्टेट के मुख्यमंत्री ने एक साथ उद्घाटन किया है। अब ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, क्या ये दोनों ही बीजेपी से रिलेटेड हैं या नहीं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 17 और 16 सितंबर को नई दिल्ली में भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर का शुभारंभ किया है। यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल इनोग्रेट द भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर इन न्यू दिल्ली ऑन 16 सितंबर। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा होने वाला, केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु की तूतुकुड़ी बंदरगाह पर 9वें कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग सर्वानंद सोनोवाल इनोग्रेटेड द 9th कंटेनर टर्मिनल एंड तूतुकुड़ी पोर्ट इन तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो ये थी हमारी आज की टॉप करेंट अफेयर्स। आई होप ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट तो है ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। इतने कम टाइम में इतनी सारी नॉलेज आपको आई डोंट थिंक कोई देगा, फिर भी थैंक यू वेरी मच।